हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सुबह सुबह आरओ दिखाती हूँ आपको, मेरा बेचारा आरओ ठीक ही नहीं हुआ अभी तक। वो मैकेनिक बोल रहा है कि मैं 1:30 बजे तक आऊँगा, आएगा फिर ठीक करेगा, फिर मैं पानी पीऊँगी। नहीं, पीने को तो है मेरे पास, मैं कल बाजार से ले आई थी। देखो कितने बच्चे बड़े हो गए। कितनी गंदी धूप हो रही है। अभी सुबह उठ के पहले मैंने जूस पिया है, क्योंकि आजकल जूस ही पी रही हूँ और तो कुछ पिया नहीं जा रहा है मुझसे, उससे मैं ठीक रहती हूँ। दिन भर खाना टाइम पे नहीं भी खाती हूँ तो भी ठीक रहती हूँ। कलर कराने के बाद मेरे बाल थोड़े हार्ड हो गए हैं, हार्ड हार्ड लग रहे हैं। कंडीशनिंग करने के बाद भी बाल हार्ड रहते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होता है, पहले भी ऐसा हुआ था। और ये हार्ड बाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बस भूख लगने ही वाली है, क्योंकि वो धीरे धीरे कह रही है कि बस खाना लाओ खाना लाओ, भूख लग रही है। ये कटिंग तो सही लग रही है, अभी थोड़ी देर में भूख लगने वाली है, बहुत भयंकर वाली है। तो मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया, अभी देखती हूँ क्या खाऊंगी। खाना पता नहीं क्या खाऊंगी, चले खाने में मिलती हूँ कि क्या मिलता है मुझे खाने को आज। मिलेगा क्या बनाना तो मुझे ही पड़ेगा, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाय गाइस, व्हाट्सअप। सुबह से शाम हो गया, अब फ्रेश हुई हूँ। आज किचन वगैरह साफ करना है, कुछ नहीं कर पाई। किचन की सफाई करनी थी, आज कुछ नहीं कर पाई। फिल्टर के पीछे वो आदमी जिसको आना था अभी चेक करने के लिए, वही आया 4 बजे। उसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं रह जाता था, और पानी के चक्कर में सुबह से चाय ही नहीं पी थी मैंने, तो चाय भी अभी पी। वाला भी सोच रही थी हार्ड हो रहा है, अभी मैंने कंडीशनिंग करी तो अभी सॉफ्ट हो गया। मेरी गलती थी, मैंने चेक नहीं किया था। एनीवेज ठीक हो जाएगा। बाकी आज मैंने बहुत दिनों के बाद में, जैसे कई रोज़ से जूस पी रही थी ना, तो जूस पी पी के मैंने ठीक किया था अपने आप को। तो आज मैंने कम से कम 1 महीने के बाद मैंने रोटी खाई होगी, एक तो दाल रोटी खाई, मुझे अच्छा लगा, वो भी 4 बजे। आज मैंने ये आउटफिट डाली है, कम से कम 6-7 साल के बाद आज मुझे हाथ में आ गया था मुझे ये, मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखती हूँ। रेड कलर मुझे बहुत पसंद है, रेड कलर किसी भी चीज़ का हो तो मैं रेड को ही हाथ लगाती हूँ। और बाकी ये बेडशीट जैसे मैं मंगाती रहती हूँ ना ऑनलाइन, जैसे कोई कलर पसंद आ गया तो मैं मंगा लेती हूँ ऑनलाइन। बता तो देते हैं कि किंग साइज का है, लेकिन किंग साइज होता नहीं है, साइड में दबता ही नहीं है, साइड का साइज रह जाता है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैंने कुछ मैंने बेडशीट मंगा लिए, लेकिन अब मैं परेशान हो रही हूँ। अब यूज़ कर लिया तो उसको फेंक, वो वापस भी नहीं कर सकते। और आज कहीं जाना नहीं था, पानी वाले ने पूरा दिन ख़राब कर दिया मेरा। सोचा था मैंने कि आज थोड़ा किचन की सफाई करूँगी, वो भी नहीं हो पाया। अब देखते हैं कल 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 पे करेंगे किचन की सफाई। और आप लोग बताइए कैसे हैं।
बातचीत तो हो नहीं रही है, ना ही मैं सब्सक्राइब के लिए बोल रही हूँ, तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, कुछ नहीं जाता है। बार बार मैं यही कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल पसंद आता हो तो, क्योंकि सिंपल सा चैनल होता है, इसमें अभी कुछ तो आ नहीं रहा है क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और कुत्ते बिल्ली मैंने घर पर रखे नहीं है जिनके साथ में खेलूँ, खेलने के लिए चाहिए मुझे कुछ सामान, तो मैं भी लेके आऊँगी कभी, सबको बोला हुआ है, बिल्ली का बच्चा पता नहीं कौन देगा, अभी देखती हूँ, जब मिल जाएगा फिर आप लोगों को बताऊँगी, तो आप लोग बताइएगा कैसा है, क्योंकि उसका नाम भी सोचा हुआ है ना मैंने, दो तीन तो नाम सोचा हुआ है मैंने, इस वजह से मुझे लेना है बिल्ली, डॉगी नहीं लेना, उनको मैं संभाल नहीं पाती हूँ, और बिल्ली बिल्ली के लिए नहीं लेना है, मुझे नाम दो चार सोच रखा है, तो उसमें से मैं सिर्फ नाम की वजह से ले रही हूँ बिल्ली को, ताकि अपने मनपसंद नाम रख के उसको मैं बुलाया करूँ। चलिए बाकी आप लोग खुश रहिए, किसी का दिल नहीं दुखाइए, घर वालों का ख्याल रखिए, और अच्छा अच्छा खाइए पीजिए और घूमिए और मस्त रहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए बस, बाकी आपकी मर्जी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ ना कुछ कह सकती हूँ, जो मुझे बोलना है बस मैं वही बोल सकती हूँ। चलिए बाकी बाय बाय।